अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं आपकी होस्ट मारिया महर और पेशे खिदमत है अलिफ लैला एपिसोड नंबर 2 और यूनान बादशाह के वजीर की कहानी। माहिर गिर ने कहा कि ऐ दियो सुन, अगले जमाने में फारस और रोम का एक बादशाह था, उसका नाम था यूनान। उसके पास बेहद मालो दौलत और लौ लश्कर था। वो बड़े दबदबे वाला था और उसके खराज गुजार बहुत सारे थे, लेकिन उसे कोढ़ की बीमारी थी और हकीम और तबीब उसके इलाज से आजिज आ चुके थे। वो बहुत सी दवाओं और सफूफ और मालशों का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन किसी से फायदा ना हुआ और कोई तबीब उसे अच्छा ना कर सका। एक बार यूनान बादशाह के दारुल सल्तनत में एक बड़ा और बुरा हकीम आया। उसका नाम दोबान हकीम था। उसने यूनानी, फारसी, रोमी, अरबी और सीरियानी किताबों का मुतालिया किया था और तिब और नजूम और उनके उसूलों कवायद में बड़ा माहिर था और उनके नफा नुकसान से बाखूबी वाकफ था। मुफीद और मुजरे नबातात और जड़ी बूटियों की पहचान में बड़ी दस्तरस्त रखता था। फलसफी था और तबात वगैरह के हर पहलू से वाकफ। जब ये हकीम शहर में आया और कुछ दिनों वहां रहा तो उसने सुना कि बादशाह को कोर की बीमारी है और सारे हकीम और तबीब उसके इलाज से आजिज आ चुके हैं। जब हकीम को इसकी खबर पहुंची तो वो रात भर सोचता रहा और जब सुबह हुई और रोशनी फैली तो उसने अपने बेहतरीन कपड़े पहने और यूनान बादशाह के पास पहुंचा। उसके सामने जमीन को बोसा दिया और कहा कि खुदा तेरी इज्जत, आबरू और दौलत हमेशा कायम रखे, और बेहतरीन तकरीर की और अपना तारुफ करवाया। उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मालूम हुआ है कि आपके बदन में कोई मर्ज है और बहुत से तबीब उसके दूर करने से आजिज आ गए हैं। जब यूनान बादशाह ने यह सुना तो उसे ताज्जुब हुआ और उसने पूछा कि आखिर फिर किस तरह से इलाज होगा। कसम है खुदा की अगर तू मेरा मर्ज दूर कर दे तो मैं तुझे पुश्त हाँ पुश्त तक दौलतमंद बना दूंगा और तुझे अपना हम प्याला और हम नवाला बनाऊंगा। फिर बादशाह ने उसे खलअत अता किया और उसे इनाम और कराम से सरफराज किया और उसे कहा कि क्या तू मुझे बेदवा बेमालिश अच्छा कर देगा। उसने जवाब दिया कि जी हाँ बादशाह। बादशाह को और भी ताज्जुब हुआ और उसने हकीम से कहा कि ऐ हकीम, जो इलाज तू करना चाहता है वो किस रोज और किस वक्त होगा, बेटा जरा जल्दी कर। उसने कहा कि बसरो चश्म कल हो जाएगा। ये कहकर वो शहर में आया और एक मकान किराए पर लिया और इसमें अपनी किताबें, दुआएं और जड़ी बूटियां रखी। फिर दुआओं और जड़ी बूटियों से एक पोलो का बल्ला बनाया और उसे अंदर से खाली रखा और उसका एक दस्ता बनाया और अपने इलम की बिना पर पोलो की गेंद। जब वो सब चीजें बना चुका तो दूसरे रोज बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में पहुंचकर उसके सामने जमीन को बोसा दिया और कहा कि आप सवार होकर मैदान में निकले और इस गेंद और बल्ले से पोलो खेलिए। बादशाह के साथ साथ सारे वज़रा भी बड़े हैरान हुए। बहरहाल बादशाह के साथ साथ सारे उमरा, वज़रा और शरफा साथ हो लिए। जो ही ये सब मैदान में जमा हुए तो दोबान हकीम वहां पहुंचा। और बादशाह को बल्ला देकर कहने लगा कि इसे इस तरह से पकड़िए और मैदान में बढ़िए और हाथों को खूब जोंक देकर गेंद पर बल्ला मारिए, यहां तक कि आपके हाथ और सारा बदन पसीने पसीने हो जाए। इस तरह से दवा हथेलियों से होकर जिस्म में सरायत करेगी। जब आप खेल चुके और दवा सरायत कर चुकी हो तो अपने महल में वापस जाइए और हमाम में जाकर नहाइए और सो रहिए, बस आप अच्छे हो जाएंगे। ये सुनकर यूनान बादशाह ने हकीम के हाथ से बल्ला ले लिया और उसे अपने हाथों में खूब जोर से पकड़ा और घोड़े पर सवार हुआ और गेंद को अपने आगे फेंका और खुद उसके पीछे दौड़ा और पास पहुंचकर उसे जोर से मारा और बल्ले को मजबूत पकड़े रहा। इस तरह से वो गेंद को मारता और उसके पीछे दौड़ता और फिर मारता जाता था, यहां तक कि दोनों हथेलियां और सारा बदन पसीने पसीने हो गया और दवा दस्तों में होकर सरायत कर गई। जब दोबान हकीम को यकीन आ गया कि दवा सारे बदन में सरायत कर चुकी है तो उसने कहा कि जब आप महल में तशरीफ ले जाइए और फौरन हमाम कीजिए। यूनान बादशाह फौरन वापस गया और हुक्म दिया
कि उसके लिए हमाम खाली किया जाए। जब हमाम खाली हो चुका तो फराशों ने इसमें फौरन फर्श बिछा दिया और गुलाम हाजिर हुए और कपड़े लाए। बादशाह हमाम में दाखिल हुआ, दिल खोल कर नहाया और वहीं हमाम के अंदर कपड़े बदले और वहां से निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आया और सो गया। ये तो बादशाह का हाल हुआ। आप दोबान हकीम का माजरा सुनिए। वो अपने घर में आया, सो रहा। जब सुबह हुई तो वो बादशाह के यहाँ गया, अंदर आने की इजाजत मांगी। बादशाह ने अंदर बुला लिया, वो अंदर आया और बादशाह के सामने जमीन को बोसा दिया और उसके सामने ये इशार पढ़े, जब बुजुर्गियां तेरी तरफ मंसूब की जाती हैं तो इनका दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है और अगर कभी किसी दूसरे की तरफ मंसूब की जाए तो इनकार कर देंगी। तेरा चेहरा ऐसा है कि भयानक से भयानक चीज की तकलीफ को दूर कर देता है। खुदा करे कि तेरा चेहरा हमेशा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता रहे, चाहे जमाने का चेहरा कितना ही गजबनाक क्यों ना हो। तूने अपने फजल और करम से मुझ पर वो एहसान किए हैं जो बादल पहाड़ियों के साथ करते हैं। तूने अपना माल नेकी करने में इस कदर खर्च किया है कि बल आखिर तू बुलंदी के आला जीने पर पहुंच गया है। जब वो ये इशार पा चुका तो बादशाह उठ खड़ा हुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया, अपने पहलू में बैठने को जगह दी और बेहतरीन खलअत अता की है। जब बादशाह हमाम से निकला और अपने बदन पर नजर डाली थी तो कोर का कोई असर बाकी ना रहा, बल्कि उसका जिस्म सफेद चांदी की तरह से साफ था। बादशाह इस पर खुशी के मारे फूलाना समाया और इसके दिल को बड़ी खुशी हुई। जब सुबह हुई और वो दरबार में आया और तख्त पर बैठा तो वजीर और मुल्क के शर्फा इधर उधर खड़े हुए और दोबान हकीम दाखिल हुआ। जब बादशाह ने उसे देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ, उसे अपने पहलू में बिठाया और उम्दा उम्दा खाने लाए गए, उसे अपने साथ खिलाया और दिन भर उसे अपनी हमराही में रखा। जब रात होने को आई तो उसने दोबान हकीम को 2000 दिनार दिए और बहुत से खलअत, इसके अलावा और भी बहुत इनामो करम किया। उसको अपना खास घोड़ा सवारी के लिए दिया और वो अपने घर वापस आ गया। यूनान बादशाह इसके इलाज पर सख्त ताज्जुब करता और कहता कि इस शख्स ने मेरा इलाज बेरोनी तरीके से किया है और तेल से मालिश तक नहीं की। खुदा की कसम ये बड़ी हिकमत का काम है, ऐसे शख्स के साथ जितना इनामो करम किया जाए कम है। बादशाह ने उसे अपना रफीक और दोस्त बना लिया और उसने रात खुशी खुशी गुजारी, क्योंकि उसके बदन से बीमारी दूर हो गई थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था। जब सुबह हुई तो यूनान बादशाह बाहर निकला और शाही कुर्सी पर बैठा और मुल्क के रूसा और दस्ते बस्ता खड़े हुए और वज़रा और उमरा उसके दाहिने बाएं बैठे। इस वक्त उसने दोबारा हकीम को याद किया, वो आया और उसके सामने जमीन को बोसा दिया। बादशाह उठ खड़ा हुआ और उसे अपने पहलू में जगह दी, उसके साथ खाना खाया, दुआ मांगी कि खुदा इसकी जिंदगी ज्यादा करे और इसे खलअत अता किया और इनामो करम दिया। रात तक उसके साथ बातचीत करता रहा, फिर उसने हुक्म दिया कि इसे और 5 खलअत और 1000 दिनार दिए जाए। हकीम बादशाह का शुक्रिया अदा करता हुआ घर वापस आया। जब सुबह हुई तो बादशाह अपने दरबार में आया, उमरा वज़रा और खुदाम उसके इर्द गिर्द खड़े हुए। रावी कहता है कि बादशाह का एक वजीर था जो नहायत बदसूरत और कमीना और कंजूस और हासद था। हसद करने में उसे बड़ा मजा आता था। जब उसने देखा कि बादशाह ने दोबान हकीम को अपना मुकरबे बनाया है और उसे इस कदर इनाम दिए हैं तो उसके दिल में हसद की आग भड़कने लगी। वो उसे नुकसान पहुंचाने के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, क्योंकि जरबुल मिसल है कि कोई जसद नहीं जिसमें हसद नहीं। और यह भी कहा जाता है कि जुल्म हर शख्स के अंदर पाया जाता है, फर्क महज इतना है कि ताकतवर उसे जाहिर कर देता है और कमजोर उसे छुपाए रखता है। अलगर्ज वजीर यूनान बादशाह के पास आया और उसके आगे जमीन को बोसा दिया और कहने लगा कि जाह बना, मैंने आप ही की नेकियों के अंदर परवरिश पाई है और मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। अगर मैं उसे अपने दिल में छुपाए रखूँ तो हराम ज्यादा हूँ, अगर आप इजाजत दे तो कहूँ। बादशाह को यह सुनकर परेशानी हुई और वो कहने लगा, आखिर वो कौन सी नसीहत है? वजीर ने कहा कि जलीलुल कदर बादशाह
बुजुर्गों का कौल है कि जो कोई अंजाम को नहीं सोचता, जमाना उसका साथ नहीं देता। मैं देखता हूँ कि बादशाह ठीक कार्रवाई नहीं कर रहा। वो अपने ऐसे दुश्मन पर जो उसके मुल्क का सत्यानाश करना चाहता है इनाम इकराम कर रहा है, और उसके साथ भलाई से पेश आता है, उसे बहुत बड़ा मर्तबा दे रखा है और अपना मुकर्रब बनाया है। मुझे डर है कि कहीं बादशाह को नुकसान ना पहुंचे। बादशाह बहुत घबराया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा कि तेरा गुमान किस तरफ है और तू किसकी तरफ इशारा कर रहा है। वजीर ने कहा कि अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, मेरा इशारा दोबान हकीम की तरफ है। बादशाह ने कहा कि लानत हो तुझ पर, वो तो मेरा दोस्त है और मैं इससे सबसे ज्यादा अजीज रखता हूँ, क्योंकि उसने मेरा इलाज एक ऐसी दवा से किया है जिसे मैंने महज हाथ में लिया और बीमारी जाती नहीं। इस बीमारी के इलाज से तमाम हकीम आजज आ चुके थे। इसका आसानी इस जमाने में नहीं, ना दुनिया के मशरिक में ना मगरिब में। इसके मुतालिक तो ऐसी बात कहता है, और आज ही से इसका रोजीना और तनख्वाह मुकर्रर किया देता हूँ। हर महीने उसे 1,000 दिनार दिया करूंगा। अगर मैं उसे अपने मुल्क का भी साझेदार बना लूं तो कम है। मैं खूब समझता हूँ कि तुम महज हसद की वजह से ये बातें कर रहा है। जैसे सिंदबाद बादशाह के साथ पेश आया है। शहजाद ने यहाँ तक बयान किया था कि उसे सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी। पांचवी रात। जब पांचवी रात हुई तो उसकी बहन ने कहा कि अगर तुझे नींद ना आती हो तो अपनी कहानी कह डाल। उसने कहा कि अनेक वक्त बादशाह मुझे ये खबर मिली है कि यूनान बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि ऐ वजीर, इस हकीम की वजह से तेरे अंदर जसद की आग भड़क रही है और तू चाहता है कि मैं इसे कत्ल कर दूं और फिर पछताऊं, जिस तरह के सिंदबाद बादशाह अपने बास को मारकर पछताया। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछूं कि क्या किस्सा है। सिंदबाद बादशाह की कहानी। बादशाह ने कहा कि खुदा बेहतर जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि फारस के बादशाहों में से एक बादशाह था। उसे ऐशो इशरत और सईदो शिकार से बड़ा शौक था। उसने एक बास पाल रखा था और दिन रात उसे अपने साथ रखता था। रात भर उसे अपने हाथ पर बिठाए रखता और जब शिकार के लिए जाता था तब भी इसको अपने साथ ले जाता था। उसके लिए उसने एक सोने का कटोरा बनवाया था जो इसकी गर्दन में लटका रहता था और जिसमें वो पानी पिया करता था। एक रोज वो बैठा हुआ था कि रखा के सूबेदार ने अर्ज की कि आज का शिकार का अच्छा मौसम है। बादशाह ने कूच का हुक्म दिया और बास को अपने हाथ पर बिठा कर सबके साथ रवाना हो गया। एक वादी में पहुंचकर शिकार के लिए घेरा डाला गया तो क्या देखते हैं कि घेरे के अंदर एक हिरनी आ गई है। बादशाह ने कहा कि जिस किसी के सर के ऊपर से ये हिरनी कूद कर निकल जाएगी इसको कत्ल कर दूंगा। अब घेरा तंग होता चला जाता था कि इतने में हिरनी बादशाह के क्यामगाह के पास आई और पिछले पांव पर खड़ी होकर अगले पांव सीने पर बांध लिए, गोया वो बादशाह के आगे जमीन को बोसा देना चाहती थी। बादशाह ने हिरनी की खातिर अपना सर झुकाया तो वो इसके सर के ऊपर से कूद कर जंगल की तरफ भाग गई। बादशाह ने देखा कि उसके सिपाही उसकी तरफ आंखें मार रहे हैं और वजीर से उसका सबब पूछा। उसने अर्ज की कि वो कहते हैं कि आपका हुक्म था कि जिसके सर के ऊपर से हिरनी कूद कर निकल जाएगी उसका सर उड़ा दिया जाएगा। बादशाह ने कहा कि सर की कसम मैं इसका पीछा करूंगा, इसको लाकर छोड़ूंगा। ये कहकर उसने हिरनी के पीछे घोड़ा डाल दिया और इसका पीछा करते करते एक पहाड़ी तक जा पहुंचा जहां हिरनी एक खड के ऊपर से कूद कर निकल गई। बादशाह ने बास को इसके पीछे छोड़ा और उसने पंजे मार मार कर हिरनी को अंधा और परेशान कर दिया। बादशाह ने गर्ज खींच कर इस पर वार किया और वो जमीन पर लूटने लगी। बादशाह घोड़े से उतर पड़ा और इसे जिबा किया और इसकी खाल खींची और अपने घोड़े की काठी से लटका लिया। इतने में तीसरे पहर के सोने का वक्त हो गया। जंगल बियाबान था जिसमें पानी का नामो निशान ना था। बादशाह को प्यास लगी और घोड़ा भी प्यासा था। बादशाह ने इधर उधर चक्कर लगाया तो देखा एक दरख्त से पानी मिसल मक्खन के टपक रहा है। बादशाह के हाथों में चमड़े के दस्ताने थे। उसने बास की गर्दन से कटोरा उतारा और इसमें वही पानी भरकर अपने सामने रखा। बास ने पर मारकर कटोरा उलट दिया और फिर उसने दूसरी बार कटोरा लिया और इसमें इन कतरों को टपकने दिया यहाँ तक कि वो बढ़ गया। बादशाह ने ख्याल किया बास प्यासा होगा इसलिए वो पानी
इसके सामने कर दिया। बाज ने फिर मारकर उलट दिया। बादशाह को बाज पर गुस्सा आया, फिर उठा और पानी भरकर घोड़े के आगे बढ़ा। बाज ने फिर बाजू मारकर पानी गिरा दिया। बादशाह ने कहा, ऐ मनहूस चिड़िया, खुदा तुझसे पूछ समझे, ना तूने मुझे पानी पीने दिया और ना घोड़े को और ना खुद पिया। ये कहकर उसने बाज पर तलवार का एक हाथ मारा कि उसके दोनों बाजू कटकर गिर गए। बाज ने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया, गोया ये इशारा किया कि देख ऊपर क्या है। बादशाह ने नजर ऊपर उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त के ऊपर काले सांप के बच्चे हैं और ये पानी उन्हीं का जहर है। बादशाह बाज के बाजू कटने पर बहुत पछताया, उठ खड़ा हुआ और हिरनी को लेकर चल दिया। खेमा गांव में पहुंचकर उसने हिरनी अपने बावर्ची को दी और उसे ले जाकर ताला। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था और बाज उसके हाथ पर। बाज ने खिचकी ली और दम तोड़ दिया। बादशाह नंजोर अफसोस के मारे चिल्लाने लगा, हाय, जिस बाज ने मेरी जान बचाई मैंने उसे खुद मार डाला। ये है सिंदबाद बादशाह की कहानी। जब वजीर ने यूनान बादशाह से यह सुना तो कहने लगा, जापना, जो कुछ उसने किया मजबूरी की वजह से किया और मैं इसमें कोई बुराई नहीं पाता, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो महज आपकी मोहब्बत की वजह से है, ताकि आपको सही वाकया मालूम हो जाए, वरना आप भी यूं ही तबाह हो जाएंगे। जिस तरह वो वजीर हुआ जिसने शहजादे के साथ दगाबाजी की थी। यूनान बादशाह ने पूछा कि वो किस तरह दगाबाज वजीर की कहानी। वजीर ने कहा कि जनापनाह सुनिए, एक बादशाह था, उसका एक वजीर था और एक शहजादा। शहजादे को सईद और शिकार का बड़ा शौक था। उसके बाप का वजीर उसके हमरा था। लाह में उन्हें एक बड़ा जंगली जानवर दिखाई दिया। वजीर ने कहा कि लीजिए, वो जंगली जानवर है, उसे मारिए। शहजादे ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि वो वजीर की नजर से गायब हो गया और जानवर उसकी नजर से गायब होकर जंगल में चलता हुआ कुछ पता ना चला कि वो कहाँ चला गया। अब वो क्या देखता है कि राह के किनारे एक नौजवान लड़की बैठी रो रही है। शहजादे ने पूछा कि तू कौन है। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के एक राजा की बेटी हूँ और मैं इस जंगल में सफर कर रही थी। कि मुझे नींद आ गई और बेहोशी की हालत में मैं अपनी सवारी से गिर पड़ी और अब अकेली और परेशान फिर रही हूँ। ये सुनकर शहजादे को तरस आया और उसे अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठा लिया और आगे चल दिया। जब वो एक खंडर के पास पहुंचे तो लड़की ने कहा कि ऐ आका, मैं अपनी हाजत रफा करना चाहती हूँ। बादशाह ने उसे खंडर के करीब उतार दिया। जब उसे वहां देर लगी तो शहजादा समझा कि बड़ी सुस्त है और फौरन उसके पीछे पहुंचा। वो तो इससे वाकफ ना था, लेकिन यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि वो चुड़ैल है। वो अपने बच्चों से कह रही थी कि ऐ बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा नौजवान लड़का लाई हूँ। उन्होंने कहा कि अम्मा जरूर ला, ताकि हम उसे अपने पेट के अंदर चढ़ने भेजें। जब शहजादे ने इनकी बातें सुनी तो उसे अपनी मौत आंखों के सामने नजर आने लगी और उसके पट्टे थर थर कांपने लगे और वो अपनी मौत से डरा और जट वापस आ गया। इतने में चुड़ैल भी बाहर आई और देखा कि वो डर के मारे कांप रहा है और कहा कि तू क्यों डर रहा है। शहजादे ने जवाब दिया कि मेरा एक दुश्मन है, मुझे उससे डर लगता है। चुड़ैल ने कहा कि तू तो अपने आप को शहजादा कहता है ना। उसने कहा हाँ। इस चुड़ैल ने कहा कि तू इसे रुपया पैसा देकर राजी क्यों नहीं कर लेता। उसने कहा कि वो रुपये पैसे से राजी नहीं होता बल्कि जान मांगता है। मैं अपने आप को मजलूम समझकर उससे डरता हूँ। उसने कहा कि अगर आप अपने आप को मजलूम समझते हो तो खुदा से मदद मांग कि वो तुझे मखदूश दुश्मन के शर से बचा ले। शहजादे ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और दुआ मांगने लगा, खुदावंद जो परेशान हालों की दुआ कबूल करता है और बुराइयों को दूर करता है, ऐ मेरे मौला, मुझे दुश्मन पर फतह दे और उससे मेरा पीछा छुड़ा, तू जो चाहे कर सकता है। जब चुड़ैल ने उसकी दुआ सुनी तो वो चलती हुई शहजादा अपने बाप के पास वापस आ गया और वजीर का सारा माजरा बयान किया। बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे कत्ल कर दिया। जनाब ना, अगर आप इस हकीम पर भरोसा करेंगे तो वो आपको बुरी मौत मारेगा, जैसे आपने मुकर्रर बनाया है और जिसके साथ भलाई की है। वो आपके मारने के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आपको मालूम है कि उसने एक दुआ आपके हाथों में दी और इससे बैरूनी इलाज से आप अच्छे हो गए। आप यकीन कीजिए कि इस तरह से वो आपको मार भी सकता है। यूनान बादशाह ने कहा कि वजीर तू सच कहता है,
ऐ नासिया वजीर यही होने वाला है, हो ना हो हकीम मेरे कत्ल करने के लिए जासूस बनकर आया है। अगर वो ये कर सकता था तो एक चीज मेरे हाथ में देकर मुझे अच्छा कर दिया, तो वो ये भी कर सकता है कि कोई चीज सुंगा कर मुझे मार डाले। फिर उसने कहा कि वजीर अब क्या किया जाए। वजीर ने कहा कि उसे बुलवा भेजिए और जब वो आए तो इसकी गर्दन मार दीजिए। यूनान बादशाह ने कहा कि तू सच कहता है और हकीम को बुलवा भेजा। वो खुश खुश आया, उसे क्या मालूम था कि खुदा ने उसकी किस्मत में क्या लिख छोड़ा है, किसी शायर का कौल है। ऐसे जमाने से डरने वाले खुदा पर भरोसा कर और अपने सारे काम उसके सपुर्द कर दे। वही जमीन का बनाने वाला है, जो चीज तेरी किस्मत में लिखी है वो होकर रहेगी और जो तेरी किस्मत में नहीं है तो इससे बचा रहेगा। जब हकीम बादशाह के पास आया तो उसने ये इशार पढ़े, अगर तू कहे तो मैं तेरा काफी शुक्र गुजार नहीं हुआ, तू बता कि आखिर मैंने अपनी नज़म और नसर किसके लिए तैयार की है। तूने मांगने से पहले मेरे पास नेमते भेजी और वो बगैर टालमटोल किए मेरे पास आ गई, फिर मैं तेरी तारीफ क्यों कर ना करूं और पुशीदा और इलानिया तेरी बख्शिशों का गीत क्यों ना गाऊं। और इस मजमून के ये इशार पड़े, अपने रंज और गम को ख्याल में मत ला, अपने सारे काम कसाओ कदर के सपुर्द कर दे, मौजूदा फायदे से खुश हो और गुजरी हुई बातें सब भूल जा। बहुत सी तकलीफ दे बातें ऐसी होती हैं कि आगे चलकर उनसे खुशी हासिल होती है। खुदा जो चाहता है वही होता है, इसलिए तेरा किसी चीज की ख्वाहिश करना बेफायदा है। और इसी मजमून के ये इशार पड़े, अपने सारे काम उसके सपुर्द कर दे, जो जरा जरा सी बात जानता है और दुनिया वालों से अपने दिल परेशान मत कर। तुझे मालूम होना चाहिए कि हर चीज तेरी मर्जी के मुवाफिक नहीं होती, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक जो हुक्मुल हाकमीन है। बादशाह ने हकीम दुबान से कहा कि तुझे मालूम है कि मैंने तुझे क्यों बुलाया है। हकीम ने कहा कि पोशीदा बातें सिवाय खुदा की कोई नहीं जानता। बादशाह ने कहा कि मैंने तुझे कत्ल करने और तेरी जान लेने के लिए बुलाया है। दुबान हकीम को इस बात से सख्त अचंबा हुआ और उसने कहा कि जनापना, कौन सा ऐसा गुनाह मुझसे सरजद हुआ है कि आप मेरे कत्ल के दर पे हैं। बादशाह ने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि तू जासूस है और मुझे कत्ल करने के लिए आया है। देख, कबल इसके कि तू मुझे कत्ल करे मैं तुझे कत्ल करूंगा। बादशाह ने जल्लाद को बुलाकर कहा कि इस दगाबाज की गर्दन उड़ा दे और मुझे इसके शर से निजात दे। हकीम ने कहा कि ऐसा मत कर, मुझे मत मार, खुदा आपको सलामत रखे, मुझे कत्ल ना कीजिए, ऐसा ना हो कि खुदा का गजब आप पर नाजल हो। ऐ दियो, उसने बार बार वही कहा जो मैंने तुझसे कहा था जब तू मुझे मारने पर तैयार खड़ा था। यूनान बादशाह ने दोबान हकीम से कहा कि जब तक मैं तुझे कत्ल ना कर डालूं, इस वक्त तक मुझे अपनी जान की तरफ से इत्मीनान नहीं। मुझे तूने ऐसी दुआ दी कि उसको हाथ में लेते ही मैं अच्छा हो गया, मुझे डर है कि मुझे कोई दुआ सुंगा कर तू मार डालेगा। हकीम ने कहा कि जनापना, मेरी नेकी का यही बुराई बदला है। बादशाह ने कहा कि सिवाय इसके और चारा नहीं। जब हकीम को अपने मरने का यकीन हो गया तो वो रोने और इस बात पर अफसोस करने लगा कि उसने ना अहल के साथ बलाई की। जलाद आया और उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और अपनी तलवार म्यान से निकाली और बादशाह से इजाजत चाही। हकीम रो रोकर बादशाह से कह रहा था कि मुझे ना मारिए, खुदा आपको सलामत रखे। हकीम ने बादशाह से कहा कि ये मेरा बदला तो वही मगरमच्छ का बदला है। बादशाह ने कहा कि मगरमच्छ का क्या किस्सा है। हकीम ने कहा कि इस हालत में मेरे लिए बयान करना मुमकिन नहीं, खुदा के लिए आप मुझे ना मारिए, खुदा आपको सलामत रखे। ये कहकर हकीम जार जार रोने लगा। बादशाह का एक मुकर्रब उठा और कहने लगा, जनापना आप इसका खून मुझे बख्श दीजिए, हमने उसे आपके साथ कोई बुराई करते नहीं पाया और इसके सिवा कुछ नहीं देखा कि उसने आपको ऐसी बीमारी से अच्छा किया जिससे तमाम हकीम नाउमीद हो चुके थे। बादशाह ने कहा कि तुम लोग नहीं जानते कि मैं इस हकीम को क्यों कत्ल करना चाहता हूँ। वजह यह है कि अगर मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा तो ये मेरी जान जाएगी। जिसने मेरे हाथ में दुआ देकर अच्छा कर दिया वो ये भी कर सकता है कि कोई दुआ सुंगा कर मुझे मार डाले। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे जरूर, मैं जानता हूँ कि वो मुझे जरूर मार डालेगा और उसके बदले रिश्वत लेगा। वो जासूस है और महज मुझे कत्ल करने के लिए भेजा गया है। अब सिवाय इसके और चारा नहीं कि मैं उसे कत्ल कर डालूं और खुद इत्मीनान से रहूं। हकीम ने कहा, मुझे ना मारिए, खुदा आपको सलामत रखे, मुझे कत्ल ना कीजिए, कहीं खुदा अपना गजब आप पर नाजर ना करे। ऐ दियो, जब हकीम को यकीन हो गया कि बादशाह उसे बेकत्ल किए ना छोड़ेगा तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप मारना ही चाहते हैं तो इतनी मोहलत दीजिए कि मैं घर जाकर अपने घर वालों और पड़ोसियों को अपनी
तो जीजो तकफीन के मुतालिक इंतजाम कर रहा हूँ और अपने कर्जे उतार रहा हूँ और तिब की किताबें लोगों के सुपुर्द कर रहा हूँ। मेरे पास एक खास किताब है, वो मैं आपके कुतुब खाने की नजर करूंगा। बादशाह ने पूछा कि इस किताब में क्या है। इसने जवाब दिया कि इस किताब में बेशुमार चीजें हैं और सबसे छोटी चीज इसमें यह है कि जब आप मेरा सर काट चुके तो इस किताब के तीन वर्क उल्टी और बाएं सफे की तीन सत्रे पढ़िए तो मेरा सर आपसे बातें करेगा और आपके तमाम सवाल के जवाब देगा। बादशाह को इस पर बड़ा चंबा हुआ और खुशी के मारे फड़क गया और कहने लगा कि ऐ हकीम, जब मैं तेरा सर काट डालूंगा तो क्या तू मुझसे बातें करेगा? उसने कहा जी हाँ। बादशाह ने कहा कि ये बड़ी निराली बात है। फिर बादशाह ने पहरे के साथ उसे रवाना किया। हकीम घर पहुंचकर इस रोज अपनी तमाम जरूरियात चुकाने में मशगूल रहा और दूसरे रोज वो दरबार में आया और तमाम उमरा और वुजरा और खुदाम और नवाब और रूसा सब हाजिर हुए। उनसे दरबार गुलजार हो गया था। जब हकीम बादशाह के सामने पहरे के साथ खड़ा हुआ तो उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और एक सुरमादानी जिसके अंदर मतर सफूफ था। वो बैठ गया और कहा कि एक सीनी लाओ। जब सीनी आई तो इसने वो सफूफ इसमें डालकर फैला दिया और कहने लगा जनाब ने ये किताब लीजिए और जब आप मेरा सर काट चुके तो इसे खोलिए और मेरे सर को इस सीनी में रखकर सफूफ पर खूब दुबाइए। ऐसा करने से खून बंद हो जाएगा और फिर किताब खोलिए। बादशाह ने उसके सर के उड़ा देने का हुक्म दिया और उसके हाथ से किताब ले ली। जलाद ने उठकर उसका सर उड़ा दिया और इसे सीने के बीच में रखकर सफूफ के ऊपर खूब दुबाया यहाँ तक कि खून बंद हो गया। अब हकीम तो बाह ने आंखें खोल दी और कहा कि जनापना अब किताब खोलिए। बादशाह ने देखा कि उसके वर्क चिपके हुए थे, इसलिए उसने अपनी उंगलियों में थूक लगाया और एक वर्क खोला और फिर दूसरा और फिर तीसरा। हर वर्क बड़ी मुश्किल से खुलता था। बादशाह ने छह वर्क खोले और देखा कि इसमें कोई नौश्ता नहीं। उसने हकीम से कहा कि इसमें तो कोई नौश्ता नहीं। हकीम ने कहा और खोलिए। इसने तीन वर्क और खोलिए। इतने में जहर उसके बदन में सरायत कर चुका था क्योंकि किताब जहर आलूद थी। बादशाह थर्राने लगा और चिल्लाकर कहा कि जहर मेरे बदन में सरायत कर गया। जब हकीम का सर बातें कर चुका तो बादशाह भी फौरन मारकर गिर पड़ा। ऐ दियो, तुझे जानना चाहिए कि अगर जुनान बादशाह दोबारा हकीम को जिंदा रहने देता तो खुदा उसे भी सही सलामत रखता, लेकिन उसने उसका कहना ना माना और उसके खून का प्यासा हो गया, इसलिए खुदा ने उसे भी मौत की सजा दी। ऐ दियो, अगर तू मुझे छोड़ देता तो खुदा तुझे भी बचा लेता। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी। छठी रात। जब छठी रात हुई तो उसकी बहन दुनियाजाद ने कहा कि अपनी कहानी तमाम कर। उसने कहा कि बशर्ते ये कि बादशाह सलामत इजाजत दे। बादशाह ने कहा कि क्या है? उसने कहना शुरू किया कि नेकबख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि माहिगीर ने दियो से कहा कि अगर तू मुझे छोड़ देता तो इस वक्त तू भी कैद ना होता, लेकिन तू मेरे कत्ल पर तुला खड़ा था, इसलिए अब तुझे इस लुटिया में बंद कर मारता हूँ और तुझे समंदर में फेंक देता हूँ। वो खबीस चिल्लाने लगा और उसने कहा कि माहिगीर, खुदा के लिए ऐसा मत कर और मुझे छोड़ दे, मेरी बुराई का बदला मत दे। अगरचे मैंने तेरे साथ बुराई की है तो मेरे साथ भलाई कर। लोगों का मकूला है कि ऐ बुरों के साथ भलाई करने वाले, बुरा करने वाले के लिए खुद उसकी बुराई काफी है। तो मेरे साथ ऐसा ना कर जो अमामा ने आतका के साथ किया था। माहिरगीर ने कहा कि अमामा ने आतका के साथ क्या किया था? दियो ने कहा कि ये वक्त किस्सा बयान करने का नहीं क्योंकि मैं कैद हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं जरूर बयान करूंगा। माहिरगीर ने कहा कि चल बातें ना बना, मैं तुझे समंदर में फेंके ना मानूंगा और तू कभी इसे निकल ना सकेगा। तुझे याद नहीं कि मैं तेरी खुशामद करता और तेरे आगे गिड़गिड़ाता था और तू हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था? मैंने ना कभी तेरा कुछ बिगाड़ा था और ना तेरे साथ बुराई की थी। अगर कुछ किया था तो भलाई ही भलाई थी क्योंकि मैंने तुझे कैद से रिहाई दी थी, लेकिन जब तूने बुराई पर कमर बांधी तो मैं समझ गया कि तू बद किरदार है। तुझे मालूम होना चाहिए कि जब मैं तुझे इस समंदर में फेंक दूंगा तो फिर जो कोई भी तुझे निकालेगा वो तुझे दोबारा फेंक देगा क्योंकि मैं अपने माजरे से उसे मतला और खबरदार करूंगा। और क्या मत तक तू यहीं ठहरा रहेगा, यहाँ तक तू तबाह हो जाएगा। दियो ने कहा कि मुझे छोड़ दे क्योंकि ये नेकी करने का वक्त है और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुझे ऐसी चीजें अता करूंगा कि तू अमीर हो जाएगा। कहा जाता है कि माहिगीर ने उसे वादा लिया कि अगर मैं तुझे छोड़ू तो हरगिज़ मुझे तकलीफ ना देगा क्योंकि मेरे साथ बुराई भलाई करेगा।
जब महंगी को यकीन आ गया कि उसने उससे इसमें आजम की कसम खाई है, तो इसने लुटिया खोली और इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। जब सब धुआं निकल चुका तो वो अच्छा खासा देव बन गया। उसने लुटिया को ठोकर मारी और समंदर में जा गिरी। माहिगीर ने देखा कि उसने लुटिया को समंदर में फेंक दिया है, तो उसे अपनी मौत का यकीन आ गया और वो अपने कपड़े दांतों से काटने लगा और कहा कि खुदा खैर करे, ये बड़ा बुरा शगुन हुआ है। फिर उसने अपने दिल को मजबूत करके कहा कि देव, खुदा कहता है कि अपना वादा पूरा किया करो, क्योंकि क्यामत के दिन उसकी पूछ होगी। तूने मुझसे वादा किया और हलफ उठाया कि मुझसे दगाबाजी ना करेगा, वरना खुदा तुझसे समझेगा। वो बड़ा गयूर है, डील देता है मगर जाने नहीं देता। मैंने तुझसे वही कहा है जो दुबान हकीम ने यूनान बादशाह से कहा था कि मुझे मत मार, खुदा तुझे सलामत रखे। तालाब और रंग बिरंगी मछलियों की कहानी। देव हंसा उसके आगे आगे रवाना हुआ और माहिगीर से कहा कि मेरे पीछे पीछे आ। माहिगीर उसके पीछे पीछे हो लिया। उसे यकीन आता था कि उसकी जान ना जाएगी। चलते चलते वो एक शहर के पास पहुंचे और एक पहाड़ पर चढ़े। वहां से एक लंबे चौड़े जंगल में उतरे। वहां एक साफ शफाफ तालाब था। देव इसमें उतरा और माहिगीर से कहा कि मेरे पीछे पीछे आ। माहिगीर बीच तालाब उसके पीछे पीछे गया। वहां पहुंचकर देव ठहर गया और माहिगीर से कहा कि जाल फेंक और मछलियां पकड़। माहिगीर ने देखा कि तालाब में रंग बिरंगी मछलियां हैं, सफेद और लाल और नीली पीली। उसे सख्त अचंभा हुआ। उसने जाल खोलकर फेंका और फिर खींचा तो देखा इसमें चार रंग की मछलियां आई हैं। ये देखकर माहिगीर बाग बाग हो गया। देव ने कहा कि उन्हें बादशाह के पास ले जाओ और उसे पेश करो, और इसके बदले तुझे अमीर कर देगा। अब खुदा के लिए मुझे माफ कर, इस वक्त और कोई सबील मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि मैं 1800 साल समंदर के अंदर आया हूं और सिवाय इस वक्त के दुनिया की शक्ल नहीं देखी। इस तालाब में किसी दिन एक बार से ज्यादा मछलियां ना पकड़ी हो। ये कहकर वो चलता हुआ और चलते चलते कहने लगा कि खुदा हम दोनों को फिर मिलाए। फिर उसने जमीन पर ठोकर मारी और जमीन फटी और वो जा समाया। माहिगीर शहर की तरफ रवाना हुआ और वो देव के वाक्य से सख्त अचंभे में था। मछलियां लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने एक कोंडे में पानी भरकर मछलियां इसमें डाल दी। पानी के अंदर कोंडे में मछलियां किलकिले करने लगी। माहिगीर इस कोंडे को सर पर आकर महल की तरफ रवाना हुआ, जैसा कि देव ने उसे कहा था। जब माहिगीर बादशाह के पास पहुंचा और उसे मछलियां पेश की तो बादशाह को सख्त अचंभा हुआ, क्योंकि जिस किस्म की मछलियां माहिगीर लाया था उसे तमाम उम्र ना देखी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि मछलियां बवर्चन लोंडी को दी जाएं। कहते हैं कि 3 दिन हुए ये लोंडी रोम के बादशाह ने तोहफे में भेजी थी। बादशाह अभी तक उसके खाने पकाने का तजुर्बा नहीं कर सका था। वजीर ने हुक्म दिया कि वो इनको तले और कहा कि आए लोंडी, बादशाह सलामत कहते हैं कि मेरी जान, हमने मजबूरी की हालत में तुमको तकलीफ दी है, तुझे चाहिए कि हमें अपनी कारीगरी और खाने पकाने के फन से खुश कर दे, क्योंकि ये मछलियां बादशाह के लिए तोहफे में आई हैं। वजीर ये कहकर वापस गया और बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि माहिगीर को 400 दिनार दे दे। वजीर ने 400 दिनार दे दिए। माहिगीर उन्हें अपनी बगल में दुबाया और गड़ भागा। कभी गिर पड़ता और फिर उठ खड़ा होता, कभी डगमगाता चलता और ये ख्याल करता कि ख्वाब देख रहा है। उसने अपने अहलोयाल के लिए जरूरत की चीजें खरीदी और अपनी बीवी के पास गया। मारे खुशी के फूला ना समाता था। यहाँ तक तो माहिगीर का किस्सा हुआ। अब लोंडी का वाकया सुनिए। उसने मछलियां लेकर उनको साफ किया, कड़ाही चढ़ाई और मछलियों को गलाया। जब वो एक तरफ पक चुकी और उसने उन्हें दूसरी तरफ पलटा तो क्या देखती है कि बावर्ची खाने की दीवार फटी और इसमें से एक नौजवान लड़की नुमादार हुई। सडोल कद, चिकने चिकने रुखसार, सुरमगी आंखें, मुजस्सम हुसन, कोफी रेशम का लिबास पहने हुए जिसमें नीली कोट लगी हुई थी, दोनों कानों में बालियां और कलाइयों में पड़ी बंद, उंगलियों में अंगूठियां जिनमें कीमती हीरों के कीमती नग चढ़े हुए थे, हाथ में खेजरा की छड़ी जिसे उसने कड़ाही में मारा और कहा कि ऐ मछलियों, तुम अपने वादे पर कायम होना। जब लोंडी ने यह देखा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इस लड़की ने दुबारा और सहबारा वही कहा। मछलियों ने कड़ाही से सर निकाला और निहायत साफ अल्फाज में कहा कि हाँ हाँ। फिर उन्होंने ये शेर पढ़ा, अगर तू फिर जाएगी तो फिर हम भी फिर जाएंगे, अगर तू वादा पूरा करेगी तो हम भी करेंगे, अगर तू हमें छोड़ देगी तो फिर हम भी अपने जिम्मे से बड़ी हो जाएंगे। ये कहकर इस नौजवान लड़की ने कड़ाही उलट दी और जिधर से आई थी उधर चले गई और दीवार बंद हो गई जैसे कि पहले थी।
अब लोंडी को होश आया तो क्या देखती है कि चारों मछलियां जालकर कोयला हो गई हैं। उसने कहा, हाय। सर मंडवाते ही ओले पड़े और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। वो इसी हालत में थी कि वजीर आया और देखा कि लोंडी ख्वास भागता पड़ी है और इसे जुमे रात और स्नीचर में कोई फर्क मालूम नहीं होता। वजीर ने उसे पांव से हिलाया तो उसको होश आया और वो रोने लगी और वजीर से सारा माजरा बयान किया। वजीर को सख्त अचंभा हुआ और कहने लगा, ये अजीबो गरीब माजरा है। उसने माहिगीर को बुला भेजा। जब वो आया तो वजीर ने उसे दरख्वास्त थी कि वैसे ही चार मछलियां और ला। माहिगीर इस तालाब में गया और जाल फेंका। जब उसे खींचा तो इस तरह की चार मछलियां इसमें थी। वो इन्हें लेकर वजीर के पास पहुंचा और वजीर उनको लेकर लोंडी के पास और कहा कि उठ उन्हें मेरे सामने ताल ताकि मैं भी देखूं कि क्या वाकया पेश आता है। लोंडी उठी और मछलियों को बनाया और चूल्हे पर कढ़ाई रखी और इनमें मछलियां डाल दी। अभी मछलियां कढ़ाई में थी कि दीवार फटी और वही लड़की पहले की तरह आ पहुंची। उसके हाथ में छड़ी थी। उसने उसे कढ़ाई पर मारा और कहा कि ऐ मछलियों तुम अपने वादे पर कायम होना। तमाम मछलियों ने सर उठाया और वही शेर पड़ा। अब शहजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी। सातवीं रात। जब सातवीं रात हुई तो उसने कहा, नेकबख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि जब मछलियों ने बातें की और लड़की ने छड़ी मारकर कढ़ाई उलट दी और जिधर से आई थी उधर चले गई और दीवार बंद हो गई तो वजीर उठा। उसने कहा कि ये माजरा बादशाह से जरूर बयान करना चाहिए। वो बादशाह के पास गया और सारा माजरा बयान किया जो इसका चश्मदीद था। बादशाह ने कहा कि इसे मैं खुद अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। उसने माहिगीर को बुलवाया और वैसे ही चार मछलियों के लाने का हुक्म दिया और तीन आदमी उसके ऊपर तैनात किए। माहिगीर गया और वैसे ही चार मछलियां लेकर फौरन आ गया। बादशाह ने उसे 400 दिनार देने का हुक्म दिया और वजीर की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, उठ मछलियों को यही मेरे सामने ताल। वजीर ने कहा, बशरो चशम। वो कड़ाही लाया और मछलियों को बनाकर कड़ाही आग पर चढ़ाई और मछलियां इसमें डाल दी तो क्या देखता है कि दीवार फटी और इसमें से एक खबशी गुलाम निकला जैसे काली चट्टान या आद की कौम का पसमांदा। उसके हाथ में हरे दरख्त की एक टहनी थी। उसने बड़ी करखत आवाज से कहा कि ऐ मछलियों तुम अपने वादे पर कायम हो। मछलियों ने अपना सर कड़ाही से निकालकर कहा, हाँ हाँ हम अपने वादे पर कायम है। गुलाम कड़ाही की तरफ बढ़ा और उसे इस शाख से जो इसके हाथ में थी उलट दिया और जिधर से आया था उधर चलता बना। बादशाह और वजीर दोनों ने देखा कि मछलियां कोयला हो गई हैं। बादशाह हैरान हुआ और कहा कि इस वाक्य का पोशीदा रखना मुमकिन नहीं, इन मछलियों के मुतालिक कोई राज जरूर है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस माहिगीर को बुलाया जाए। जब वो आया तो बादशाह ने कहा कि लानत हो तुझ पर, ये मछलियां तू कहां से लाया था। माहिगीर ने जवाब दिया कि शहर के सामने बड़े पहाड़ के नीचे चार पहाड़ियां हैं, उनके दरमियान में एक तालाब है और इसमें से ये मछलियां लाया हूँ। बादशाह ने माहिगीर की तरफ गौर से देखा और कहा कि दिन की राह है। माहिगीर ने जवाब दिया कि ऐ मेरे आका मेरे सुल्तान, सिर्फ अध पैर की राह है। बादशाह हैरान हुआ, उसने हुक्म दिया कि लश्कर निकले और सवार हो। माहिगीर आगे आगे था और दियो पर लानत भेजता जाता था यहाँ तक कि वो पहाड़ पर चढ़े एक बड़े लंबे चौड़े जंगल में उतरे जिसे उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सुल्तान और सारे सिपाही सख्त हैरान थे। अलगर्ज उन्होंने देखा कि जंगल है और उसके बीच में चार पहाड़ियों के दरमियान एक तालाब है और इसमें से चार रंग की मछलियां हैं, लाल और सफेद और पीली और नीली। बादशाह ठहर गया, उसे सख्त ताज्जुब था। उसने सिपाही और बाकी तमाम हाजरीन से पूछा कि तुमने ये तालाब पहले कभी देखा है। उन्होंने अर्ज की कि जनाब पनाह, हमने उसे आज तक नहीं देखा। उन्होंने बड़े बुरों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हमने इस जगह पर तालाब कभी नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तक मैं इस तालाब और इन मछलियों का भेद ना दरियाफ्त कर लूं, खुदा की कसम मैं शहर में दाखिल ना होऊंगा और ना तख्त पर बैठूंगा। बादशाह ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि वो इन पहाड़ों के आस पास उतर जाए और वजीर को तलब किया। वजीर बहुत जीरक और दाना और अकल और सियासतदान था। जब वो आया तो बादशाह ने कहा कि इसमें एक काम करना चाहता हूँ, तुझे मतला करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आज रात मैं अकेला रहूं और इस तालाब और मछलियों के राज का पता लगाऊं। तो मेरे खैमे के दरवाजे पर बैठा रहा है उमरा और वज़रा और खुदाम और नवाबों से जो कोई मेरे मुतालिक दरियाफ्त करे उसे कह दीजिए कि सुल्तान बीमार है। मुझे हुक्म है कि मैं किसी और को अंदर ना जाने दूं और किसी को भी मेरे इरादे की खबर ना हो। वजीर को ये ताकत कब थी कि वो बादशाह की बात ना मानता। बादशाह ने बेस बदला और तलवार लगाई
और एक पहाड़ी के ऊपर चल दिया। बाकी रात सुबह की सुबह तक चलता रहा। दूसरे दिन फिर चला और बेसबब दब रात चलने के गर्मी से बेताब था। फिर दूसरी रात फिर सुबह तक चलता रहा। अब उसे दूर से एक सियाह धब्बा सा नजर आया। वो खुश हो गया और दिल में कहने लगा, शायद मुझे यहाँ कोई मिल जाए और तालाब और मछलियों का भेद बता सके। जब करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि वो एक महल है जो काले पत्थर का बना हुआ है। इस पर लोहे के पत्थर जड़े हैं और दरवाजे का एक पट खुला हुआ है और दूसरा बंद। बादशाह खुश होकर दरवाजे पर ठहर गया और आहिस्ता आहिस्ता से दस्तक दी, लेकिन जवाब ना मिला। फिर दूसरी बार दस्तक दी और फिर तीसरी बार, लेकिन जवाब ना मिला। फिर उसने बड़ी जोर से दस्तक दी, लेकिन फिर भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। उसने ख्याल किया कि यह मकान जरूर खाली होगा। अब वो हिम्मत करकर महल के दरवाजे से दहलीज तक गया और जोर से आवाज थी कि ऐ महल वालों, मैं एक परदेसी आदमी हूँ और मुसाफिर हूँ, तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ है? यही उसने दोबारा और सह बड़ा कहा, लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। अब वो अपने दिल को मजबूत करके दहलीज से आगे बढ़ा और महल के बीच में पहुंच गया। अब भी वहां कोई ना मिला, मगर उसने देखा कि रेशमो जरीफत का फर्श बिछा हुआ है और पर्दे पड़े हुए हैं और महल के बीच में एक बड़ा आंगन है। इस पर चार ऐवान और एक बड़ा दरी है। ऐवान आमने सामने है और एक शामियाना लगा हुआ एक हौज है जिसके ऊपर सुरख सोने के चार दरिंदे बने हुए हैं और उनके मुंह से पानी मिसले मोती और हीरे के निकलता है और महल में चारों तरफ चिड़िया है। महल के ऊपर सोने की जाली लगी हुई है ताकि वो बाहर ना जा सके, मगर किसी इंसान का नामो निशान नहीं। बादशाह हैरान हुआ और उसे इस बात पर अफसोस हुआ कि यहाँ भी कोई शख्स नहीं जो इसे जंगल और तालाब की मछलियों और पहाड़ों और महल का भेद बता सके। वो आंगन में बैठकर सोचने लगा कि इतने में किसी शख्स की नहायत दर्दनाक आवाज सुनाई दी जो रो रो कर ये शेर कह रहा था, मैंने तेरी बातों को बहुत छुपाया लेकिन वो जाहिर हो ही गई और बजाय नींद के मेरी आंखों में बेदारी समा गई। ऐ जमाने, मेरे ऊपर रहम मत खा और उसका साथ मत छोड़। मेरी रूह तकलीफ और खतरे में फंसी हुई है। इस कौम के ऐसे शरीफ पर कोई रहम नहीं खाता जो मोहब्बत की राह में जलील हो चुका हो और ना ऐसे अमीर पर जो गरीब हो चुका हो। मुझे तेरे मुतलिक नसीम पर भी रश्क आता है, लेकिन जब किस्मत ने यावड़ी ना की तो आंखें भी अंधी होकर गईं। तीर अंदाज क्या करे अगर उसका दुश्मन सामने हो और वो तीर चलाना चाहे और कुमान का चिल्ला टूट गया हो। अगर इंसान पर रजों गम की मुसीबत टूट पड़े तो वो किसाओ कदर से भागकर कहां जा सकता है। जब सुल्तान ने रोने की आवाज सुनी तो वो उठ खड़ा हुआ और ये इस आवाज की तरफ चल दिया। अब उसने देखा कि एक नशस्तगार पर वो पड़ा हुआ है और उसने पर्दा उठाया तो क्या देखता है कि उसके पीछे एक नौजवान एक कुर्सी पर जो जमीन से गज भर ऊंची है बैठा हुआ है। नौजवान नहायत हसीन कदो कामत, नहायत दिलकश जुबान फसीह चेहरा, चमकदार उकसार, सुर्ख और सफेद, उस पर अंबर की टिकिया की तरह एक तिल। बादशाह उसे देखकर बाग बाग हो गया। उसे सलाम किया और देखा कि वो नौजवान कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसका लिबास रेशमी है जिस पर मिस्री सोने से कुशीदा कड़ा हुआ है। उसके सर पर हीरो से जड़ा हुआ ताज है, लेकिन उसका चेहरा गमगीन नजर आता है। बादशाह के सलाम का उसने बेहतर जवाब दिया और कहने लगा, ऐ मेरे बुजुर्ग, मुझे तेरे खैर मुकदम के लिए कम से कम उठ खड़ा होना था, लेकिन मैं मजदूर हूँ। बादशाह ने कहा कि ऐ नौजवान, मैं तेरी माजरत कबूल करता हूँ, मैं तेरा मेहमान हूँ और एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। वो ये है कि तू मुझे इस तालाब और मछली और महल और अपनी तन्हाई और रोने का भेद बता दे। जब नौजवान ने ये बातें सुनी तो उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वो जार जार रोने लगा और एक सर्द आह खींच कर उसने कहा, तमाम बातें खुदा पर छोड़ दे और गम और फिक्र में मत पड़ो। ये मत पूछ के फलां बात क्यों क्यों हुई, यही तकदीर में लिखा था। बादशाह को ताज्जुब हुआ और वो कहने लगा, नौजवान तुम क्यों रोते हो? उसने कहा कि बात ही रोने की है, जब मैं इस हालत में गुजर करूं। और वो अपने दामन की तरफ हाथ ले गया और उसे उठाया तो नीचे का आधा दर पत्थर का था और नाप से लेकर सर के बालों तक वो इंसान था। जब बादशाह ने नौजवान को इस हालत में देखा तो उसे बेहद रंज गम और अफसोस हुआ। उसने कहा कि नौजवान, तूने मेरे रंज को दोबाला कर दिया है और अब तक तो मैं महज मछलियों की हालत जानना चाहता था, अब उनकी और तेरी दोनों की वल्ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, खुदा के वास्ते अपना हाल जल्द बयान करो। उसने कहा कि सुन और देख। बादशाह ने कहा कि मेरे कान और आंखें हाजिर हैं। नौजवान ने कहा कि मेरा इन मछलियों का अजीबोगरीब वाकया है, अगर इसे सुई की नोक से आंखों के कोने में लिखा जाए तो लोगों के लिए बड़ी इबरत का बायस होगा।
बादशाह ने कहा कि किस तरह से? नौजवान की कहानी जिस पर जादू किया गया था। नौजवान ने कहा कि ऐ मेरे बुजुर्ग सुन, मेरा बाप इस शहर का बादशाह था और इसका नाम हमोद था। इसकी हुकूमत जजायर और स्या पर थी और वह इन चारों पहाड़ों के बीच में रहता था। 70 साल हुकूमत करके उसका इंतकाल हो गया और मैं बादशाह हुआ और मैंने अपनी छिछेड़ी बहन से शादी की। इसे मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि अगर मैं मौजूद ना होता तो वो खाना ना खाती ना पीती। इस तरह से 5 साल तक मेरा और इसका साथ रहा। एक दिन का जिक्र है कि वो हमामे गई और बरवच्ची से कहा कि हमारे लिए कोई चीज जल्द पकाकर रात का खाना तैयार कर। फिर मैं इस महल में आकर अपनी ख्वाबगाह में सो गया और 2 लोंडियों को हुक्म दिया कि वो पास रहे, एक सराहने और दूसरी पाइन थी। मुझे अपनी बीवी के मौजूद ना होने की वजह से बड़ी परेशानी थी और नींद ना आती थी। हाँ, मेरी आंखें तो बंद थी मगर रूह बेकरार थी। अब मैं क्या सुनता कि सराहने वाली लोंडी पाइंती वाली से कह रही थी कि या मसूदा, मुझे अपने आका और इसकी जवानी पर तरस आता है। उसे हमारी मालिका से खुदा इस डंडी पर लानत भेजे, क्या नुकसान पहुंच रहा है? उसने कहा कि हाँ, खुदा की मार हो दगाबाज और जानी औरत पर, वो हमारे आका और उसकी जवानी की काबिल नहीं, हर रात बाहर सोती है। फिर सहाने वाली लोंडी ने कहा कि उसे मालूम नहीं कि हमारा आका गूंगा है या इस पर जादू टोना किया गया है कि वो इसे बासपुरुष नहीं करता। इस पर दूसरी लोंडी ने कहा कि चल चल चखे हो, और वो हमारा आका है, या तो वो सब कुछ जानता है या इसने उसे इख्तियार दे रखा है। तुझे मालूम नहीं कि जो शराब का प्याला वो इसे सोते वक्त देती है इसमें बंग मिला देती है और इसे दुनिया माफिया की खबर नहीं रहती, और ये भी उसे मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जाती है। शराब पिलाने के बाद वो अपने बेहतरीन कपड़े पहनती हुई इत्र लगाती है और उसके पास चलती होती है और तड़के तक गायब रहती है। जब वो वापस आती है तो उसकी नाक में किसी चीज की धुनी देती है और वो जाग उठता है। जब मैंने लोंडी को ये कहते सुना तो आंखों के आगे से अंधेरा छा गया, लेकिन उसका यकीन आया। यहाँ तक कि दूसरी रात हुई, मेरी छिछेड़ी बहन हमाम से निकली, हमने दस्तरखान बिछाकर खाना खाया और थोड़ी देर तक बातें करते रहे जैसे कि हर रोज किया करते थे। फिर इसने शराब मंगवाई जैसे मैं हर रोज की तरह पी गया, मगर मैंने उसे गिरे बार में उंडेल दिया और फौरन लेट गया और सीटी मार ली। उसने कहा कि रात भर सोता रहियो और हरगिज मत जागियो, खुदा की कसम मुझे तुझसे और तेरी सूरत से नफरत है, मैं तेरे साथ सोने पर लात मारती हूँ, नामालूम खुदा कब तेरी रूह कब्ज करे। ये कहकर वो उठी और अपने बेहतरीन कपड़े पहने और इत्र लगाया और मेरी तलवार लेकर कमर से बांधी और महल के दरवाजे खोले और चलती हुई। मैं उठा और उसके पीछे पीछे हो लिया और महल से बाहर आया। वो शहर के गली कूचों में होती हुई शहर के दरवाजे पर पहुंची। वहां उसने कुछ पढ़ा जो मेरी समझ में नहीं आया और सारे कुफल खुलकर गिर पड़े और दरवाजा अपने आप खुल गया और शहर से बाहर निकली और मैं उसके पीछे पीछे लगा हुआ था, मगर इसको इस बात की खबर ना थी। यहाँ तक के कूड़े के 2 डेरों के बीच में पहुंची और एक झोंपड़ी के पास आई जो ईंटों की बनी हुई थी। इस पर एक गुंबद था और इसका एक दरवाजा। वो अंदर दाखिल हुई और मैं गुंबद के ऊपर चढ़कर बैठ पीठ के बल लेट गया और उन्हें झांकने लगा। अब क्या देखता हूँ कि मेरी छेड़ी बहन एक खपची गुलाम के पास है जिसका एक होंठ चूतर की तरह और दूसरा कलीन की तरह था। वो अपने होंठों से कंकरियों के ऊपर से रेत चुन सकता था। वो फटे पुराने चीथरे पहने प्याल के फर्श पर पड़ा था और उसने उसके सामने आकर जमीन को बोसा दिया। गुलाम ने सर उठाकर उसे देखा और कहने लगा, मरदूत तू अब तक कहाँ थी? मैं यहाँ, मेरे हबशी छिछेड़े भाई आए हुए थे, उन्होंने शराब पी और हर एक के साथ एक एक लड़की थी, मैंने तेरी वजह से शराब तक ना पी। उसने जवाब दिया कि मेरे आका, मेरे प्यारे, मेरी आंख के तारे, तुझे मालूम है कि मैं अपने छिछेड़े भाई की बीवी हूँ और मुझे उसकी सूरत से नफरत है, मैं इसकी हम बिस्तरी से कोसों भागती हूँ। अगर मुझे तेरा ख्याल ना होता तो सूरज निकलने से पहले सारे शहर को तबाह कर देती और इसमें कौवे और उल्लू बोलने लगते और गीदड़ और भेड़िए आकर रहते और इसकी ईंटे और पत्थर को औकाफ के पीछे फेंक आती। गुलाम ने कहा कि यह हरामजादी तो झूठी है, मुझे हबशियों की इज्जत की कसम है और हमारी शराफत को गोरे लोगों की शराफत ना समझ। अगर आज के बाद तूने इतनी देर लगाई तो हम बिस्तर तो दड़कना अपने जिस्म को तेरे से मस्त तक ना करूंगा। ए हरामजादी, तू मेरे साथ आंख मचोली खेलती है और हमसे अपनी शहवत पूरी करती है। ए मुर्दार, ए कुतिया, ए जलील तरीन गोरी। मैंने जब ये बातें सुनी और जो कुछ उनके दरमियान हो रहा था वो मैं सुन और देख रहा था तो दुनिया मेरी आंखों में तड़ीक हो गई। मुझे ये भी मालूम ना रहा कि मैं कहाँ हूँ। मेरी छिछेड़ी बहन खड़ी उसके आगे रो रही थी और उसकी खुश आमद करती और गुलाम से कहती थी कि मेरे प्यारे, मेरे जिगर पाड़े, अगर तू मुझसे नाराज होगा तो मेरा दुनिया में और कौन है? अगर तू मुझे निकाल देगा तो मैं किसके पास जाऊंगी? ऐ मेरे प्यारे, मेरी आंखों के नूर। वो इस तरह से रोती और गिड़गिड़ाती रही यहाँ तक कि वो राजी हो गया।
वो खुशी के मारे फूल गई, उठकर अपने ऊपर और नीचे के कपड़े उतारे और कहने लगी, या मेरे आका, तेरे पास कोई चीज है जो तेरी डोंडी खाए। उसने कहा कि फलां लगन खोल और इसमें सचक चूहो की हड्डियां हैं जो आज पके थे, इनको खा ले और देख फलां हंडिया में कुछ बची, कुछ शराबे से पी जा। वो उठी और खा पी के अपने हाथ मुंह धोए और प्याल पर गुलाम के पास लेट गई और नंगी होकर उसके चीथरों के अंदर घुस गई। जब मैंने अपनी चिचेरी बहन की ये कार्रवाई देखी तो अपने आप को बिल्कुल भूल गया और गुम्बद पर से उतर कर वो तलवार उठा ली जो मेरी चिचेरी बहन लाई थी। इसे खींच कर मुझसे मरादा कर लिया कि दोनों को कत्ल कर दूंगा। पहले मैंने गुलाम की गर्दन पर वार किया और ख्याल किया कि उसका काम तमाम हो गया है। शहजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद की जिसकी उसे इजाजत मिली थी। आठवीं रात, जब आठवीं रात हुई तो उसने कहा कि नेकबख्त बादशाह। जुवान ने बादशाह से कहा कि जब मैंने गुलाम पर वार किया तो उसका सर दर से अलग हो जाएगा, तो इसकी नरकसी भी नहीं बल्कि महज गले की हड्डी और खाल और गोश्त। मैं समझा कि वो मर गया, लेकिन वो जोर शोर से कराने लगा। इतने में मेरी बहन ने नींद में करवट बदली तो मैं उल्टे पांव फिरा और तलवार को अपनी जगह छोड़कर शहर में आया और महल में दाखिल हुआ और बिस्तर पर सुबह तक सो गया। अब मेरी चचेरी बहन वापस आई, उसने मुझे जगाया तो क्या देखता हूँ, उसने अपने बाल काट डाले और सो के कपड़े पहने हुए हैं। उसने मुझसे कहा कि चचेरे भाई, मेरे इस फेल को बुरा मत मान, मुझे खबर मिली है कि मेरी माँ फोत हो गई है और बाप जहाद में मारा गया है और एक भाई को बिच्छू ने काट लिया और दूसरा लड़ाई में मारा गया है। अब मेरा फर्ज है कि रोऊं और सोग करूं। ये सुनकर मैं चुप हो गया और उसे कहा, जो तेरा जी चाहे कर, मैं तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसने पूरे एक साल तक सो किया और रोने धोने में गुजारा। साल गुजरने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि महल के अंदर एक गुंबद नुमा मुकबरा बनाऊं और अपने इस सो के लिए मखसूस कर दूं और उसका नाम बैतुल अहजान रखूं। मैंने कहा, जो तेरा जी चाहे कर। उसने सोग के लिए एक बारा दरी बनवाई और उसके बीच में एक गुंबद और कब्र नुमा एक मदफन। फिर उसने गुलाम को लाकर वहां रखा। इसमें जान तो थी लेकिन इससे इसे कोई फायदा ना पहुंच सकता था। हाँ, वो शराब पीता था और जिस रोज से उसे जख्म लगा था उसकी जुबान बंद हो गई थी, मगर मौत ना आई। वो हर रोज सुबह शाम उसके पास जाती और गुंबद के अंदर उस पर नालोजारी करती और उसे दिन रात शराब मकोई यखनियां पीने को देती। यही हालत थी कि दूसरा साल आ पहुंचा। मैं अपने आप को बहुत रोके हुए रखता था मगर उसकी तरफ कोई इल्तफात ना था। एक रोज मैं उसके बेजाने बूझे वहां पहुंच गया तो क्या देखता हूँ कि वो रो रो कर कह रही है कि तू मेरी आंखों से क्यों ऊट है, मेरे दिल के सुकून मेरे साथ बातें कर, ऐ मेरी जान बोल, ऐ मेरे प्यारे। जब वो अपनी बातें खत्म कर चुकी तो मैंने उसे कहा कि चिड़ी बहन, अब सोग जो है वो काफी हो चुका, ज्यादा रोना धोना बेसूद है, अब जो कुछ बाकी रह गया उससे फायदा उठा। उसने कहा कि तू मेरी बातों में दखल अंदाजी मत कर, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं फौरन जान दे दूंगी। ये सुनकर मैं चुप हो गया, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वो एक और साल गिरफ्तारी और सोग में रही। तीसरे साल के बाद फिर एक रोज उसके पास गया और मुझे किसी और बात से सख्त परेशानी थी। उसने बहुत तौल खींचा था। मैंने उसे देखा कि वो गुंबद के अंदर कब्र के एक पहलू पर बैठी हुई है, कह रही है कि ऐ मेरे आका, तू मुझसे कोई बात नहीं करता, ऐ मेरे आका, आखिर तू मुझे कोई जवाब क्यों नहीं देता। फिर उसने ये शेर पढ़े, ऐ कब्र, तू मेरे लिए ना जमीन है ना आसमान, तो फिर तेरे अंदर सूरज और चांद कहाँ है, कहाँ से जमा हो सकते हैं। जब मैंने उसकी बातें और इशारे सुने तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैंने कहा कि ये शोक आखिर कब तक रहेगा। फिर मैंने ये इशारे पढ़े, ऐ कब्र, क्या इसकी बेहूदा बातें खत्म हो गई या इसका गंदा चेहरा जो तेरी रोशनी का बायस था ना रहा। ऐ कब्र, तू ना होश है ना देश की, तो फिर तेरे अंदर कूड़ा क्रिकेट क्यों कर जमा हो सकता है। जब उसने मेरी बातें सुनी तो उछल पड़ी और कहने लगी कि तफ हो तुझ पर, ऐ कुत्ते, तू क्या, तूने ही ये काम किया है और मेरे दिली मशहूर को जख्मी किया है, मुझे और इसकी जवानी को बर्बाद कर दिया। 3 साल हुए कि ना तो वो मरता है ना जीता है। मैंने जवाब दिया कि ऐ नापाक रंडी और ऐ गंदी पुत्रिया और कराए के गुलामों की आशना, हाँ मैंने ही किया है। ये कहकर मैंने तलवार पर हाथ मारकर उसे खींच लिया और उसकी तरफ लपका के उसका काम तमाम कर दूं। जब उसने मेरी बाकी बातें सुनी और देखा कि मैं उसके कत्ल पर कमर बसता हूँ तो वो हंसी और कहने लगी, चल हट है कुत्ते, जो कुछ हो चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता और ना ही मुर्दे दोबारा जिंदा होते हैं, लेकिन जिसने मेरे साथ ये बुरा सलूक किया इस पर मेरा भी बड़ा जोर चलता है। मेरे दिल में उसकी तरफ से वो आग भड़क रही है जो कभी बुझ नहीं सकती और ऐसे शोले निकल रहे हैं जो छुप नहीं सकते। यह कहकर वो दोनों पांव सीधे खड़ी हुई और कुछ पढ़ने लगी जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया और कहा कि मेरे जादू से आधा पत्थर हो जा और आधा इंसान।
और मेरी ये हालत होगी जिसे तू देख रहा है। अब मैं उठ बैठ नहीं सकता, ना जिंदा हूँ ना मुर्दा। जब मेरी ये हालत होगी तो उसने शहर और उसके तमाम गली कूचों और बागों पर भी जादू किया। हमारे शहर में चार कौमें आबाद थी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी और आतिशपुष्ट। उसने इन सबको मछलियां बना दिया। मुसलमान को सफेद, आतिशी रियासतों को सुरख, ईसाइयों को नीला और यहूदियों को पीला, और चारों जजीरों को तालाब के आसपास चार पहाड़ बना दिया। अब वो हर रोज मुझे सताती और 100 कोड़े मारती है, यहाँ तक कि मैं लोह लहान हो जाता हूँ। फिर वो मेरे कांधे कुरचती और ये ऊनी कपड़े जो तूने ऊपर के बदन पर देख रहा है पहनाती है, और इसके ऊपर ये कीमती अबार डाल देती है। ये कहकर वो नौजवान रोने लगा। कहते हैं कि अब बादशाह जवान की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, है नौजवान, तूने मेरा गम दोबाला कर दिया है। इसके बाद कि तुझे देखकर मेरा गम दूर हो गया था, लेकिन आखिर वो औरत कहाँ है और कहाँ है वो मदफन जिसमें वो गुलाम है। जुआ ने कहा कि गुलाम मदफन में इस गुम्बद के नीचे पड़ा है, और जो मेरे दरवाजे के सामने फलां बरादरी में वाकया है। औरत सूरज निकलने से पहले मेरे पास आती है और मेरे कपड़े उतारकर इतने जोर से कोड़े मारती है कि मैं रोने और चिनाने लगता हूँ। मैं इतना भी नहीं हिल सकता कि अपने आप को बचाऊं। मुझे मार पीट कर वो गुलाम के पास जाती है, इसे शराब और यखनी पीने के लिए देती है। अब कल तड़के वो फिर आएगी। बादशाह ने कहा कि यह नौजवान, मैं तेरे साथ ऐसी भलाई करूंगा जिसे लोग एक दूसरे से बयान करेंगे और जिसका जिक्र क़यामत तक तारीख की किताबों में रहेगा। अब बादशाह उससे इधर उधर की बातें करने लगा, यहाँ तक कि रात हो गई, दोनों सो गए। सुबह सवेरे बादशाह जगा और उसने ऊपर के कपड़े उतार दिए और तलवार खींच कर उस जगह पहुंचा जहाँ गुलाम था। उसने देखा कि वहां चिराग और कंदीलें और अतरियात और रोगन रखे हुए हैं। उसने गुलाम को इधर उधर तलाश किया और उसके पास पहुंचकर एक वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसे अपनी पीठ पर लादा और ले जाकर एक कुएं में डाल दिया जो इसी महल के अंदर था। फिर वो वहीं वापस आया और गुलाम के कपड़े पहनकर कब्र के अंदर लेट गया और नंगी तलवार अपने ऊपर बराबर रख ली। थोड़ी ही देर के बाद वो हरामजादी जादूगरनी आई और आते साथ ही अपने चिचेरे भाई के कपड़े उतारे और कोड़ा लेकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आ मेरी बहन, क्या मेरी मौजूदा मुसीबत काफी नहीं है? बहन, मेरे हाल पर रहम खा। उसने कहा कि हाँ, जिस तरह तूने मेरे ऊपर रहम खाकर मेरे मशहूर को जिंदा रखा। जब वो कोड़े मारते मारते थक गए, उसके जिस्म से खून बहने लगा, तो उसने उसे ऊनी कपड़े पहनाए और इसके ऊपर से अबा। फिर वो शराब का जाम और यखनी का प्याला लेकर गुलाम के पास गई, गुंबद में दाखिल होकर रोने पीटने लगी, है मेरे आका, कुछ तो कह और बातें कर। बादशाह ने जुबान मड़ोर कर धीमी आवाज से हबशियों के सिलेंजे में कहा कि आ लाहौला वाला कुआत अल्लाह बिल्लाजीम। और ने जब उसे ये बात करते सुना तो मारे खुशी के चिल्ला उठी और बेहोश हो गई। जब उसे जरा होश आया तो उसने कहा कि वाकई तो तंदुरुस्त हो गया है। बादशाह ने अपनी आवाज और ज्यादा धीमी करके कहा, ए हरामजादी, क्या तू इस काबिल है कि मैं तुझसे बात करूं? औरत ने कहा कि क्यों? उसने जवाब दिया कि इसलिए कि तू दिन भर अपने शोर को सताती है और वो वेला करता है और मेरी नींद रात से सुबह तक खराम कर देता है। वो रोता पीटता और मुझे और तुझे कोसता है, इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। अगर ये ना होता तो मैं कब का तंदुरुस्त हो चुका होता, इसलिए मैं तुझसे बोलता भी नहीं। उसने कहा कि अगर तेरी मर्जी है तो मैं इसे अभी अच्छा किए देती हूँ। बादशाह ने कहा कि हाँ, इसे अच्छा कर दे ताकि मुझे आराम मिले। उसने कहा कि बसरो चशम उठ खड़ी हुई और गुंबद से निकलकर महल में गई, एक प्याले में पानी भरकर इस पर कुछ पढ़कर फूंका, पानी खोलने लगा और इस पर बुलबुले उठने लगे और हांडी की तरह से जोश आने लगा। इस पानी में से उसने अपने शोर पर छिड़का और कहने लगी कि अगर तू मेरे जादू और फ्रेब की वजह से ऐसा हो गया है तो इस सूरत को बदलकर अपनी असल सूरत इख्तियार कर ले। उसने ये कहा ही था कि जवान को हरकत हुई, वो अपने पांव पर खड़ा हो गया। अपने आप को तंदुरुस्त पाकर वो फुलाना समाया और कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। औरत ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ और फिर कभी हरगिज़ वापस ना आइयो, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगी। ये कहकर उसने शोर को बहुत डांटा डपटा और वो चला गया। औरत गुम्बद के अंदर आई और कहने लगी, या मेरे आका, बाहर निकल आ ताकि मैं तेरा दीदार करूं। बादशाह ने धीमी आवाजों में उसे कहा कि जो कुछ तूने किया है इससे मुझे महज जज्वी मसूरत हासिल हुई है, मुकम्मल नहीं। उसने कहा कि मेरे मशूक, मेरे प्यारे हबशी, मुकम्मल क्या है? उसने कहा कि मलूना, तुझ पर खुदा की लानत, वो इस शहर और चारों जजीरों के बशिंदे हैं। हर रोज आधी रात को मछलियां अपना सर निकालकर वेला करती हैं और मुझे और तुझे कोसती हैं। इस वजह से मुझे बिल्कुल चैन नहीं आता। जाओ, उनको जल्द आजाद करके वापस आ। और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा, क्योंकि अब मैं किस कदर तंदुरुस्त हूँ। जब उसने बादशाह की बातें सुनी और वो उसे गुलाम समझकर खुश हो रही थी तो उसने कहा कि मेरे आका,
बसरो चशम बिस्मिल्ला और मारे खुशी के उठ खड़ी हुई और तालाब के पास जाकर उसमें से थोड़ा सा पानी पी लिया। अब शहजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी। नौवीं रात। जब नौवीं रात हुई तो उसने कहा कि अनेक वक्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ कि जब जादूगरनी ने तालाब में से पानी लिया और इस पर कुछ पढ़कर फूंका जो समझ में ना आता था तो मछलियां रक्स करने लगी। उन्होंने अपने अपने सार निकाले और फौरन उठ खड़ी हुई और शहर वालों का जादू उतर गया और शहर दोबारा आबाद हो गया। दुकानदार खरीदो फरोख्त करने लगे, हर शख्स अपने कामकाज में लग गया, जजीरे पहले की तरह हो गए। जादूगरनी फौरन बादशाह के पास गई और कहने लगी, ऐ प्यारे अपना हाथ मुझे दे और उठ खड़ा हो। बादशाह ने धीमी आवाज से कहा, करीब आ। वो करीब आई यहां तक कि उसके बदन से बदन मिल गया। बादशाह ने तलवार खींचकर उसके सीने पर ऐसा वार किया कि तलवार चमकती हुई दूसरी तरफ पीठ से निकल आई। फिर बादशाह ने दूसरा वार करके उसके दो टुकड़े कर दिए और खुद बाहर निकल आया। यहां उसने देखा कि जवान उसके इंतजार में खड़ा हुआ है। जवान ने उसकी सलामती पर उसे मुबारकबाद दी और उसके हाथ चूमे। बादशाह ने कहा कि अगर तेरा जी चाहे तो अपने इस शहर में ठहर, वरना मेरे साथ मेरे शहर चल। जवान ने कहा कि तुझको मालूम है कि तू अपने शहर से कितनी दूर है? बादशाह ने कहा कि ढाई दिन का फासला है। जवान ने कहा कि बादशाह अगर तू ख्वाब में है तो बेदार हो जा, यहां से तेरे शहर तक एक तेज रो मुसाफिर की रफ्तार से पूरे साल का रास्ता है। तू जो ढाई दिन में पहुंच गया है उसकी वजह यह है कि शहर पर जादू के असर में था। ऐ बादशाह मैं तुझसे लम्हा बढ़ के लिए भी जुदा ना होऊंगा। बादशाह ने कहा कि शुक्र है खुदा का जिसने तुझे मुझको अता किया, आज से तू मेरा बेटा है, क्योंकि उम्र भर मेरे कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। दोनों गले लिपट गए और खुशी के मारे उनकी बाजें खिल गईं। फिर वहां से रवाना होकर वो महल में पहुंचे। जवान बादशाह ने तमाम रोसा को हुक्म दिया कि सफर की तैयारी की जाए और सारी जरूरियात मुहैया की जाए। 10 रोज तैयारी होती रही, फिर दोनों बादशाह रवाना हो गए। इस अजीबोगरीब जुदाई की वजह से सुल्तान के दिल में अपने शहर को दोबारा देखने की आग भड़क रही थी। राह में उनके साथ 50 गुलाम और बहुत से तोहफे तहाइफ थे। दिन रात सफर करते करते वो पूरे एक साल के बाद सुल्तान के शहर तक पहुंचे और उन्होंने सुल्तान के सही सलामत पहुंचने की खबर वजीर को भेजी। वजीरों सपा जो बादशाह के दीदार से हाथ छू चुके थे इस्तकबाल के लिए आए। लश्कर आगे बढ़ा और बादशाह के आगे जमीन को बोसा दिया और उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी। सुल्तान दरबार में आकर कुर्सी पर जलवा अफरोज हुआ। वजीर आगे आया और उसने नौजवान का सारा किस्सा सुल्तान से सुना और इसको भी सलामती पर मुबारकबाद दी। अब सुल्तान के कारोबार फिर जारी हो गए। सुल्तान ने बहुत लोगों पर इनाम करम किया और वजीर को हुक्म दिया कि माहीगीर को बुलाया जाए जो मछलियां लाया था और शहर वालों को खलासी का असल सबब था। जब वो आया तो सुल्तान ने उसे खलअत अता किया और उसकी खैर वफियत दरियाफ्त करके उससे पूछा कि तेरे कोई औलाद है? उसने कहा कि मेरी 2 लड़कियां और 1 लड़का है। बादशाह ने इन तीनों को भी दरबार में तलब किया और 1 लड़की से खुद शादी की और दूसरी की शादी इस जवान से कर दी और लड़के को खजांची के ओहदे पर मामूर किया। वजीर की कमर में तलवार बांधकर उसे जवान के शहर का जो जजायर सयाह थे सुल्तान बनाकर भेज दिया और 50 गुलाम जो इसके हमरा आए थे वजीर के साथ रवाना कर दिए और तमाम उमरा के लिए खलअत रवाना किए। वजीर सुल्तान के हाथों को बोसा देकर सफर के लिए रवाना हो गया। सुल्तान और नौजवान वहीं ठहर गए। माहिगीर अपने जमाने का अमीर तरीन शख्स हो गया और उसकी बेटियां मरते दम तक रानियां रहीं। लेकिन ये कहानी हमाल की कहानी से ज्यादा अजीब नहीं है।